बाबा और अगर हमारी गलतियां नहीं है और कोई झूठा आरोप लगाता है मना इंसल्ट करता है उस वक्त क्या किया जाए? जो हमारी ग्लानी करता है, ग्लानी करता है, रुको 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 रुको, हमारे बाप की ग्लानी करता है ना? तो बाप की ग्लानी करता है वो बड़ा पाप है या हमारी ग्लानी करता है वो बड़ा पाप है? बाप की ग्लानी वो तो नहीं कर रहा है, वो तुम्हारी ग्लानी कर रहा है, तो सहन कर लेना चाहिए कि नहीं? अरे हमारे बाप को तो छोड़ दिया कम से कम, बाप क्यों सहन कर लेता है? क्योंकि बाप में देह नहीं है, समझ लेना चाहिए। मैं उसकी बातों को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ, सहन नहीं कर पा रही हूँ, माने मैं अभी देवता धर्म की पक्की, जो देवता धर्म के पक्के होंगे बहुत सहनशीलता होगी। कभी हो जाता है सहनशीलता, कभी देव भर में माया तो अपनी गलती को नहीं देखना है, अपनी गलती को देखना है, दूसरों की गलती क्यों देखना? पहले अपने को देखो कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे गुणों वाले बन गए तो हमारी ग्लानी होनी चाहिए कि नहीं है? निंदक नियरे राखिए, क्या कहा? अरे ये कविताएं किस लिए की गई हैं? सूरदास ने, कबीरदास ने, तुलसीदास ने कैसे अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। बाबा ने क्या बोला मुरली में, बोला कि नहीं बोला? तो आपके लिए नहीं बोला, बोला सब। आपके लिए कितना बढ़िया पॉइंट बता दिया, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। आप उससे दोस्ती करिए, अच्छे अच्छे संकल्प चलाइए, उसको गिफ्ट दीजिए उसके अच्छे कामों पर। क्या नहीं समझ में आया? अच्छा करेंगे तो आपको जन्म जन्मांतर अच्छा मिलेगा, जो बुरा करेगा, बुरा बोलेगा, उसको बुरा मिलेगा। बाबा ने तो तुमको डायरेक्शन दे दिया, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो।